बिहार के अभी हम लोग पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहां से जानेंगे कि भैया इस बार पाटलिपुत्रा क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन होगा। रामकृपाल यादव यानी कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार मीसा भारती को उन्होंने चुनाव हराया था, तो दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार फिर से मीसा भारती हैं। लालू यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती इस बार चुनाव फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से लड़ रही है। अभी हम लोग पटेल चौक पे हैं और ये दिखाइए तस्वीर, ये पटेल चौक का, ये विजयनगर का पटेल चौक है और यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे माहौल क्या है। हमारा नाम विवेकानंद शर्मा हुआ। शर्मा जी, क्या लगता है, आप पाटलिपुत्रा के हैं ना? हाँ हाँ, माहौल क्या है, रामकृपाल यादव या मीसा भारती, लालू यादव की बेटी इस बार चुनाव फिर से लड़ रही है? रामकृपाल जी का क्लियर है। क्लियर है, सब लोग महाराज जी के भाई, क्या बात है। मीसा भारती से मिलना जुलना कम होता है ना, रामकृपाल जी घर घर आते हैं जाते हैं, आओ का कारण यही है, घर घर आते जाते हैं। हाँ 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 हाँ, लगा दुख हो सुख हो सब में उठते हैं घर। हाँ, पर अब मीसा भारती से भेटे करना कश्मीर पर चढ़ाई के बराबर हो जाएगा, बराबर पहाड़ पर मीसा भारती से भेंट होगा। आप लालू यादव का बेटी ना, आप अभी बोले आप कि लालू यादव का बेटी ना भाई, वो राजा के बेटी है, वो भेंट होगा। आप बोलिए कि इस 10 दिन पहले कोई मीसा भारती को क्षेत्र में देखा था? चुनाव हार के जाती है उसके बाद क्षेत्र में एक दिन भी कोई बता दे, एक दिन माने एक आध दिन बता दे कि यहाँ पार्टी में गया, फंक्शन में गया। 5 साल में फिर दिखाई नहीं देती, 5 साल बाद फिर वही राजा की बेटी, आप लालू यादव की बेटी है, साधारण थोड़े में आएगी तो यहाँ की जनता ना जी, कहाँ से जिताएगी। अरे तो मतलब कह रहे हैं कि जनता ना जीते, रितलाल जाते तो हो सकता चांस बनता, लेकिन मीसा भारती के आने से रामकृपाल जी का क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर माने एकदम व्हाइट वॉश दे दिया। हाँ, चूंकि यादव भी वोट दे रहा है ना, किनको? रामकृपाल जी को। भाजपा नहीं देख रहा है यादव वाला लालटेन? नहीं नहीं, वो देख रहा है कि दुख सुख में शामिल रहता है ना। अब एम्स में पैर भी करने, पार्टी लाइन से ऊपर पैर भी करने के लिए होगा तो मीसा भारती पैड पर लिखेगी, लिखवाने के लिए उसका पीए फोन कीजिए, फलना तुरंत जाइए लिखवाइए, काम हो जाता है। रामकृपाल यादव बीच में नहीं रुकता है कि कहाँ जा रहे हैं जी, सांसद है। सुबह जो उनका मॉर्निंग वॉक सुबह चिड़िया गांधी मैदान में कम से कम रोज 100 आदमी को वो माने लेटर पैड लिखते हैं, रोज 100 आदमी का मैंने पूरा, लेकिन हमसे बुलवा रहे हैं, बतवा सब जान रहे हैं, आप तो पत्रकार पैसे बोल देंगे भैया, ऐसा पैसा लेके खा के बोल रहे हैं, गलत चीज है। आप सवेरे वहाँ 2019 में इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ ना, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग रहे, हमारा तो विक्रम विधानसभा में घर हुआ, हम तो यहाँ किराया पर रहते हैं मन, लेकिन हम लोग का घर हुआ विक्रम विधानसभा में। लोकसभा तो पाटलिपुत्रा ही, लोकसभा हम लोग लीड करते हैं विक्रम करकड़ा के। कौन शर्मा जी है ना? हाँ, यादव लोग क्या कहते हैं? यादव जो लोग कहता है लोग राम कृपाल को देंगे कि मैंने कहा देंगे, देता है, कुछ देता है, कुछ देता है। तो ये है राम कृपाल यादव का इफेक्ट। गुड्डू जी पाटलिपुत्रा के ही है ना? नहीं, हम यहाँ के हैं, हम बाहर आरा तरफ के हैं। आरा के हम और का ही महाराज, कहाँ घर पड़ी आरा में? जादवपुर। क्या माहौल आरा के? बढ़िया बा। के निकला था वहाँ से? आर के सिंह निकलेंगे। आर के सिंह भाजपा के जी? हा? जी। सुदामा प्रसाद माले के पहचाने नहीं रहे? पहचाने नहीं रहे भैया, सुदामा प्रसाद तरारी के विधायक हैं, ऐसा मत कीजिए। आइए बात करते कुछ लोगों से और जानते हैं, महिलाओं से बात करते। क्या नाम हुआ मैडम, बताइए क्या नाम हुआ? यहाँ की महिला प्रत्याशी है मीसा भारती, आप बोल रहे नहीं बात करेंगे? बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी, आप लोग कह रहे नहीं बात करेंगे? कहा पाटलिपुत्र की भैया, आप बताइए, भाभी नहीं बताइए, आप कैसे? आप ठीक है? क्या लग रहा है पाटलिपुत्र में, क्या माहौल है पाटलिपुत्र में? माहौल ठीक ही है। माने किधर जा रहा है हवा, किधर जा रही है? रुक, यहाँ तो हमेशा बीजेपी ही जीतता है, बीजेपी ही ज्यादा है। ये मीसा भारती फिर से उतार दी गई है तो क्या सही है, या लग रहा है इस बार टक्कर देंगी, या क्लीन स्वीप है ये इनका? तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग तो माहौल देखते होंगे ना कि क्या माहौल है, कैसा माहौल? तो बीजेपी का ही है पाटलिपुत्रा से, पाटलिपुत्रा से बीजेपी का ही। रामकृपाल यादव ने काम किया? हाँ, काम तो दिखता है, लोगों से मिलते हैं, हर समय मिलते हैं। आप देखे हैं उनको? हाँ देखे हैं, बर्थडे पार्टी में, शादी में, कभी बुलाई हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चाई है, सच्चाई तो है जो कि हम जान रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे आके। मतलब ये बर्थडे उर्डे में आते हैं रामकृपाल यादव? हाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव को अगर देखा जाए तो वो कैसे व्यक्ति है, मतलब किस तरीके के सांसद है, आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग ऑब्जर्व की होंगे ना, कैसा लगता है? अच्छे हैं, करते हैं, काम करते हैं, इसलिए तो जीत रहे हैं। इसलिए मीसा भारती जो है लालू यादव की बेटी होने के बावजूद बिहार जा रही है, ये कटु सच्चाई। हाँ, हमको क्या? अच्छा, आप लोग देखे हैं कि नहीं रामकृपाल यादव? देखे हैं, हम हमेशा आते हैं,
बुलाते हैं तो आते हैं, हमेशा आते हैं, हम लोग फंक्शन में भी आते हैं। आते हैं नानुकुर नहीं करते हैं? नहीं, आ जाते हैं। आ जाते हैं मतलब चार बार जो है चार लेयर में पहुंचती हैं आप लोग की, डायरेक्ट पहुंच जाती हैं? मतलब पता नहीं, पापा जाते हैं बुलाते हैं, आ जाते हैं। आ जाते हैं डे में भी आते हैं? हाँ आते हैं। देखिए भैया में भी आ जाते हैं शादी, अगर हाँ घर में शादी होता है तो आ जाते हैं। ये है भैया, ये जो है पाटलिपुत्रा का जो है वो हम करते हैं कुछ लोगों से। चाचा जी यहाँ पे हैं, क्या नाम है चाचा जी आपका? प्रोफेसर उमेश सिंह। उमेश सिंह सर, हाँ कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र ही आपका ये सर? हाँ जी, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र आता है। माहौल क्या है आप लोगों का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में? अरे हम रामकृपाल जी थे, रामकृपाल मेरे एन कॉलेज में पढ़ा, हम वही प्रोफेसर है। अच्छा, आपने पढ़ाया रामकृपाल? हाँ रामकृपाल को पढ़ाया। अरे भैया देख लीजिए, रामकृपाल यादव जो कि मिसा भारती को लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हराते हैं, वो रामकृपाल यादव जो सांसद हैं भाजपा के, उनको इन्होंने एन कॉलेज में पढ़ाया है और उनके प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह, एन कॉलेज में कब से आप प्रोफेसर हैं सर? एन कॉलेज में तो हमें 20 साल 25 साल हो गया। 25 साल, तो वो रामकृपाल यादव को भी आपने पढ़ाया? वहाँ रामकृपाल वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ था, जीता था, उसी समय से मेरा वो परिचित है, अभी भी बहुत अच्छा परिचित है। लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद भी बना? सांसद भी है। क्या कैसे हैं वो? बहुत ही कैसे है? है उसका हर जाति में पैठ है। हर जाति में। कारण? कारण उसका क्या? आप एजुकेटेड हैं, ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, एक एजुकेटेड पर्सन क्या बताता है अपने लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद के बारे में बताएं। मिलनसार है, हर लोग से मिलता है, हर हर जात से उसका पैठ है। हाँ केवल यादव में नहीं, हर जात में है उसका। हर जात में? हाँ सबके घर जाते हैं? सबके घर जाता है, दुख सुख सब, दुख सुख में सब करता है। अच्छा, और क्या मतलब किसी को सुना है मैंने कि एम्स उम्स में भी इलाज उलाज कराना रहता है? पेड़ पेड़ जाता है वो? हाँ। अपने जाता है, खुद से जाते हैं। तो मीसा भारती क्यों हार रही हैं बार बार? मीसा भारती परिवारवाद की उपज है, लालू की बेटी है, कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है नहीं, वो तो हारेगी ही, उसको वोट नहीं देगा कोई। हाँ माहौल यहाँ पे जो है एक तरफा है वो रामकृपाल, रामकृपाल का माहौल है, रामकृपाल ही जीतेगा, रामकृपाल ही जीतेगा। हाँ पाटलिपुत्रा से? पाटलिपुत्रा से। कैसे पढ़ने में कैसे थे रामकृपाल यादव, कुछ थोड़ा बताइए, आप तो प्रोफेसर ही जब मिल गए यहाँ पे तो थोड़ा जानकारी ले लें। नहीं पढ़ने में सबसे बड़ा बात था वो सब है, शुरू से था, शुरू से शांत थे मतलब ज़्यादा। हाँ 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 मैं वहाँ से वो जीता था प्रेसिडेंट में, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट में। तो बहुत गरीब हुआ करते थे, कहते थे कि ना हमारे पास बहुत कुछ था सामान उमान, गाड़ी उड़ी भी नहीं थी। गाड़ी उड़ी कहाँ से रहेगा उस समय, उसको उस समय स्टूडेंट था तो कहाँ से रहेगा उसको गाड़ी। घर में भी बहुत माली स्थिति बहुत गंदी थी। हाँ लेकिन जोर थी, लेकिन आदमी सही था इसलिए सब उसको सपोर्ट करता था, इसलिए वो इतना आगे भी बढ़े। हाँ हाँ देखिए प्रोफेसर साहब एन कॉलेज के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आए थे यहाँ पे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की, ये आइए बात करते हैं, कुछ लोग रुके हैं। क्या नाम, क्या नाम अभी आपका? अजय। आपका? रंजीत। आप लोग पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के ही हैं जी? माहौल क्या है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में? माहौल तो रामकृपाल जी के पक्ष में है। पक्ष में है जी जी। क्या लगता है? एकदम रामकृपाल जी, रामकृपाल यादव। क्यों, कारण क्या है रामकृपाल यादव का, मतलब मीसा भारती को? सहज स्वभाव के हैं वो, और काम भी किए हैं, और यहाँ चाहिए वैसा जनप्रतिनिधि जो सहज रूप से उपलब्ध रहे। अच्छा। और 200 घंटा उपलब्ध रहते हैं, 200 घंटा उपलब्ध रहते हैं, इसलिए रामकृपाल जी जी। मीसा भारती क्यों नहीं? हाई फाई है, नहीं चलेंगे वो सब। उताई पाई है? हाँ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों और से। क्या नाम हुआ भाई भैया? विनोद कुमार। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से हैं? क्या माहौल है यहाँ का, कौन जीत रहा है? हम यहाँ रहते नहीं है भाई, बाहर कहीं और नहीं रहते हैं। चले ठीक है कोई नहीं, आइए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अविराज। पाटलिपुत्रा के वो? हाँ है तो इसी तरह। अच्छा ये कौन माहौल क्या है, रामकृपाल यादव या मीसा भारती का? पता नहीं हमें तो। क्या युवा हो यार तुम लोग, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग कहीं और ध्यान देते हैं। ध्यान देते हो, बताओ। छोड़िए वो सब, जान के क्या कीजिएगा। अच्छा माने माने देश के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान कहीं और। देश का विकास बहुत हो जाएगा, कुछ कर लेंगे तो विकास बहुत हो जाएगा। हम लोग कर ही देंगे देश का विकास, कहीं और ध्यान देंगे। वाह ऐसा एक भारत। क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है? राम जय श्री राम, जय श्री राम, कट्टर जय श्री राम। बदल रहा है भाई, देख लीजिए आप उधर उधर उधर। सबसे मस्त राहुल गांधी पप्पू जी, चलिए सबसे मस्त राहुल गांधी है।
चैनल पे बताइए ना, आशा एक भारत, आशा एक भारत। अच्छा ठीक है, आएगा आएगा, आप देखते रहिएगा। अच्छा ये बताइए, क्यों जय श्री राम, पढ़ाई लिखाई और रोजगार क्यों नहीं, विकास क्यों नहीं? रोजगार भी है, सही बात है, आप जो बोल रहे हैं वो भी है। लो मारुति नेट चैनल, सबसे पहले जय श्री राम। हाँ भगवान है अपने, हाँ पहले नहीं थे? नहीं अभी भी है, पहले भी थे, हिंदू हैं हम लोग। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की, माहौल जो है वो जानकारी हम ले रहे थे यहाँ पे। बाकी खबर जो है